अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कंकड़खेड़ा में आज उस समय विवाद खड़ा हो गया जब शिव चौक पर चेकिंग के दौरान कंकड़खेड़ा थाना इंस्पेक्टर वे जल निगम यांत्रिक खंड के अधिकारी आपस में भिड़ गए। खंड अधिकारी का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की और गाली गलौज की। वे ड्यूटी पर जा रहे थे, अगर ऐसा ही रहा तो ड्यूटी करना मुश्किल होगा। वहीं इंस्पेक्टर का कहना है कि पास वाली गाड़ी को उन्होंने आगे निकाल दिया था जबकि दूसरी गाड़ी को वापस कर दिया था, इसी बात पर यह विवाद खड़ा हुआ। दरअसल यांत्रिक खंड के अधिकारी की ड्यूटी कम्युनिटी किचन में लगी हुई है। वह स्टाफ के साथ वहां जा रहे थे कि शिव चौक पर यह विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद की जानकारी दे रहे हैं अधिशासी अभियंता अमित सहरावत। मैं अमित सहरावत, अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम यांत्रिक खंड में कार्यरत हूँ। हमारी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ड्यूटी लगाई गई थी कम्युनिटी किचन बच्चा पार्क मेरठ में। कल ही हमें व्हाट्सएप के द्वारा लेटर फॉरवर्ड किया था और उसमें ये भी लिखा था कि यदि आवश्यक समझे तो अपने स्टाफ को भी सहयोग दे सकते हैं। तो आज सुबह में जब अपना आ रहा था तो शिव चौक कंकड़खेड़ा पुलिस चौकी पर वहाँ पर चेकिंग चल रही थी, इंस्पेक्टर प्रमोद राणा था, तो उसको मैंने अपना लेटर दिखाया तो और वहाँ मेरा पीछे स्टाफ भी, तो उसने इस तरह की गंदी गंदी बातें और गालियाँ दी कि मैं उनको व्यक्त भी नहीं कर सकता। तो मैंने जगह कि हम अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, हमारी ड्यूटी लगाई इसकी आ रहे हैं, तो एक दो उनके साथ थे तो डंडे मार दिए जाएंगे भी चले जाओ यहाँ से, इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए। तो मैंने सी डी ओ मैडम के शहर को भी कह दिया कि मैडम इस हालात में हम ड्यूटी नहीं कर सकते, और एक मैंने पत्र भी लिख दिया है जो उसको कॉपी कमिश्नर मैडम को भी दी है और डीएम साहब को दी, एसएसपी साहब को, कि हम गाली भी खाएंगे पुलिस की और नौकरी भी इस तरीके से ड्यूटी भी करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, हमारे मान सम्मान। धन्यवाद। उधर इंस्पेक्टर कंकड़खेड़ा का कहना है कि उन लोगों को यह भी गलतफहमी हो गई थी कि पीछे वाली गाड़ी का उनके द्वारा चालान काट दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।